और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद तीन और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। पलायन और पतझड़ का दौर दिखाई दे रहा है। इस्तीफे ऐसे एक के बाद एक हो रहे हैं जैसे कि विधायक तैयार बैठे थे। बीजेपी एमएलए भगवती सागर ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से और अब उनका अगला ठिकाना कौन सा होगा ये आप समझ सकते हैं। विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक बीजेपी से नेताओं का इस्तीफा हो रहा है। रोशन लाल वर्मा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तिलहर विधानसभा से ये आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के काफी करीबी माने जाते हैं। तो तीन बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इन इस्तीफों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल एक बार फिर शाम होते होते बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में और भी कई विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। एक तरफ बीजेपी रूठों को मनाने की कोशिश में लगी है लेकिन दूसरी तरफ इस्तीफों का दौर चल रहा है। यूपी चुनाव से पहले बड़ा दल बदल हो सकता है और ये दल बदल जो दिखाई दे रहा है ये सत्ता परिवर्तन की तरफ भी इशारा हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और नेता बीजेपी छोड़ सकते हैं और बीजेपी छोड़ने के बाद उनका अगला ठिकाना क्या होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक में मंथन किया जा रहा है, इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके संकेत भी दिए हैं। तीन बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। उधर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के जो आलाकमान है बीजेपी के उन्हें साफ कहा गया है कि आप रूठों को मनाइए लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी संकेत होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि रूठे मान गए हों। नेता रूठों को मनाने में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं लेकिन रूठे लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। शोपाल यादव के संपर्क में भी कई बीजेपी के नेता हैं और हो सकता है कि वो भी इस्तीफा बीजेपी से देकर सपा के साथ आए। ओम प्रकाश राजभर का दावा अभी कई विधायक सपा में आने को तैयार हैं ऐसा उन्होंने कहा है और अगर ऐसा होता है तो ओम प्रकाश राजभर जो शुरू से लेकर अब तक कहते आ रहे थे वो उसे सच साबित कर देंगे। टिकट फाइनल होने से पहले हो सकता है कई नेताओं का दल बदल बीजेपी से, ये पूरी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में आज का सियासी घटनाक्रम सबसे ज्यादा अहम रहा है। वैसे तो तमाम खबरें आई लेकिन ये दल बदल का दौर जो चला उसने अब समीकरण ऐसे बदले हैं कि सपा और बीजेपी में अब सीधी आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जो पहले थोड़ी 19-20 थी अब वो बराबरी पर आ गई है और लगातार बीजेपी से इस्तीफों का दौर चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर।